वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी कंप्लीट किया था। लास्ट टाइम हमने बेटा स्टार्ट किया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमारे पास फोर ऑर्गन्स जो है वो एक साथ कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूम। ठीक है, ये सब जो है एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो इस वजह से हमने इनको बोला था बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आज उसी कड़ी में हमारे पास नेक्स्ट जो लेक्चर आता है बेटा वो है लाइसोसोम। आज हम लोग लाइसोसोम और वैक्यूम को जो है वो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट आता है बेटा हमारे पास लाइसोसोम। लाइसोसोम बेसिकली प्रोडक्ट होता है गोल्जी बॉडी का। आपको पता है बेटा कि ये हमारे पास सेल के अंदर ऐसे न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के जस्ट बाद हमारे पास क्या होता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाद सिस फेज आता है बेटा किसका, गोल्जी बॉडी का। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से बेटा वेसिकल्स निकलती है। क्या निकलती है बेटा, वेसिकल्स निकलती है, और यही वेसिकल्स जिनके अंदर प्रोटीन होते हैं, वही प्रोटीन आगे चल के एंजाइम बनाते हैं। यही वेसिकल्स जो है बेटा कन्वर्ट होती है किसमें, काफी बार, ऐसा नहीं हमेशा। ठीक है, इन वेसिकल्स जनरली क्या करती थी, बाहर की तरफ जाती थी, और जो भी प्रोटीन बाहर जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह होते हैं, ठीक है, सेल से बाहर चीज होते हैं, तो उनके लिए बाहर की तरफ निकलती थी। लेकिन अगर ये यहीं पे है, ये क्या बना रही है बेटा, लाइसोसोम बना रही है। ठीक है, यही वेसिकल पे बेटा क्या बनाती है बेटा, लाइसोसोम बनाती है, अगर इनका पीएच काफी डिक्रीज हो जाता है। और इन्हीं वेसिकल से ही एक लार्ज वेसिकल बनती है जो बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम। और यही हमारे आज का जो है टॉपिक है, लाइसोसोम और वैक्यूम। नेक्स्ट थिंग आती है बेटा कि जो लाइसोसोम है वो हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसके चारों तरफ एक ही मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होती है। इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब होता है बेटा जो एंजाइम वाटर में डिसोल्व होके किसी भी प्रोडक्ट को जो है ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसको हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो एसिडिक पीएच पे क्या करते हैं बेटा, वर्क करते हैं। एसिडिक पीएच पे क्या करते हैं बेटा, वर्क करते हैं, जैसे जैसे लिपिड को ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करना है, जैसे मान लो आरएनए को ब्रेक डाउन करना है आरएनएस, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है प्रोटीएस। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना है अमाइलेज। ठीक है लिपिड को ब्रेक डाउन करना है लाइपेज। तो इस तरीके से बहुत सारे एंजाइम जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर बेटा लाइसोसोम के अंदर जो कि डाइजेस्ट करते हैं बेटा इन सभी प्रोडक्ट्स को। ठीक है, उसके बाद ये बेटा पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल होता है। पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल का मतलब होता है इसकी काफी फॉर्म होती है, जैसे प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेसिडुअल बॉडी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बेटा जैसे सपोज करो ये आपकी सेल है, सेल के अंदर जब फर्स्ट टाइम वेसिकल, जैसे मान लो आपने गोल्जी बॉडी से फर्स्ट टाइम आपने लाइसोसोम बनाया, फर्स्ट टाइम जो लाइसोसोम बनाया गया आपने उसमें एंजाइम जो है इतने एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, तो इसको मैं बोलता हूँ बेटा प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम कुछ टाइम बाद अपना पीएच जो है वो धीरे 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 डिक्रीज करके चला जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, जब वो काफी पीएच को क्या कर लेगा बेटा अपना डिक्रीज कर लेगा, एटलीस्ट 2.5 1.5 इसके तकरीबन जब ले आएगा तब हम लोग इसको बोलेंगे बेटा सेकेंडरी लाइसोसोम। और अब ये कैपेबल है बेटा किसके लिए, किसी भी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए, किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए। जब ये डाइजेस्ट कर लेता है उसके बाद जो वेस्ट बचता है उसको हम लोग रेसिडुअल बॉडी बोलते हैं। और फिर ये क्या करता है बेटा, ऐसे मेम्ब्रेन के पास बाउंड करके और इस वेस्ट को जो है बाहर की तरफ, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस कर देता है। ठीक है, निकाल देता है। ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल है। इसका मतलब ये है कि अपनी शेप को क्या कर सकता है बेटा, चेंज कर सकता है। ठीक है, मैक्रोफेजेस के अंदर ये
पाया जाता है बहुत ज्यादा अमाउंट पे। मैक्रोफेजेस आप लोग जानते हो बेटा, मैक्रोफेजेस हमारे एक तरीके की क्या होती है बेटा, डब्ल्यूबीसी होती है, जो कि क्या करती है बेटा, फोरन पार्टिकल को इंगल्फ करती है, उसको खाती है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, हमारी ये डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो एक हमारे पास क्या आ गया, बैक्टीरिया आ गया, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। तो ये क्या करेगी बेटा, इस बैक्टीरिया को अपने अंदर जो है वो इस तरीके से, जैसे अमीबा कर लेते हैं ना, अमीबा करके इसके चारों तरफ इस तरीके से स्यूडोपोडिया वगैरह बना के, ठीक है, इसको अंदर की तरफ क्या करेगा बेटा, इंगल्फ कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया को क्या करेगी बेटा, इंगल्फ कर लेगी। इंगल्फ करने के बाद इसमें जो लाइसोसोम होगा, ठीक है, इसका जो लाइसोसोम होगा बेटा, वो क्या करेगा इसको, वो क्या करेगा बेटा, इसको अपने अंदर लेके और इसको ब्रेक डाउन कर देगा, इसको किल कर देगा, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस के अंदर लाइसोसोम जो है वो काफी अमाउंट में होते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल हुआ। दूसरा, हमारे सेल के अंदर फिर इसका क्या काम है बेटा, सेल के अंदर एक वर्ड होता है जिसे मान लो ऑटोफेजी, इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो सेल है हमारे पास और इस सेल के अंदर लाइसोसोम है, और जैसे मान लो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो डेथ हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, इसका कोई वर्क नहीं है। तो क्या करता है बेटा, ये लाइसोसोम इस क्लोरोप्लास्ट को इंगल्फ कर लेता है, खा लेता है, ठीक है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा ऑटोफेजी, किसके नाम से जानते हैं बेटा, ऑटोफेजी। और वही एक और वर्ड होता है बेटा एपोप्टोसिस, इसका मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, इसका मतलब ये होता है अगर मान लो पूरी की पूरी सेल जो है वो ओल्ड हो चुकी है, पूरी की पूरी सेल जो है बेटा वो ओल्ड एज हो चुकी है, मतलब बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है, तो बेटा इसके अंदर बेसिकली होगा क्या, लाइसोसोम का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और लाइसोसोम जो है अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, लाइसोसोम जो है बेटा फटने स्टार्ट हो जाएंगे, और उनके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है सेल के अंदर आ जाएंगे, जिससे पीएच जो है बेटा वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, सेल का डिक्रीज हो जाएगा, और सेल वहीं पे क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी, ठीक है, सेल वहीं पे क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी। इसके अंदर लाइसोसोम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, पीएच जो है वो एकदम से बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोग्राम सेल डेथ। ओके, दिस इज ऑल अबाउट लाइसोसोम। अब बात करते हैं बेटा वैक्यूल की। वैक्यूल एक ऐसी ही वेसिकल है जो कि एंडो जो कि गोल्जी बॉडी से निकली है, और जिसका साइज जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इस पूरा ये 90% पार्ट जो है, 90% पार्ट सेल का ये वैक्यूम जो है लेके रहता है, और इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि इन सबको जो है कोरोन की तरफ जो है वो शिफ्ट कर देता है। इसीलिए प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो न्यूक्लियस वगैरह है ये आपके कोरोन की साइड जो है वो प्रोजेक्ट होते हैं। वैक्यूम बेटा डिफरेंट एग्जाम्पल जो हमने पढ़े हुए हैं, सेंट्रल वैक्यूम प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, फूड वैक्यूल हमें अमीबा के अंदर देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी हमें प्रोटिस्टोरा अमीबा के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये क्या क्या वर्क करता है बेटा, सेल ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। सेल ग्रोथ का क्या मतलब है सर, सेल ग्रोथ का मतलब ये है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और इसके अंदर वैक्यूल है, तो वैक्यूल क्या करता है बेटा, वाटर को अब्सॉर्ब करता है और अपने साइज को जो है बेटा इंक्रीज कर लेता है। जब अंदर साइज इंक्रीज होगा तो बेटा सेल की साइज भी जो है वो इंक्रीज होगा, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि बेटा ये क्या कराता है, सेल ग्रोथ कराता है। दूसरा बेटा और क्या करता है, ये आयन स्टोर करता है, आयन जैसे मान लो पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ऐसे आयन को ये जो है बेटा स्टोर करता है, ठीक है। इसके अंदर आयन की कंसेंट्रेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है, कंसेंट्रेशन आयन की कैसे होती है बेटा, बहुत ही ज्यादा होती है, भार आयन की कंसेंट्रेशन कम है, इसलिए ये क्या करता है बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है इनसाइड, ठीक है, आयन का एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है इनसाइड, ठीक है, तो आयन स्टोर करता है। दूसरा पिगमेंट स्टोर करता है बेटा, जो वाटर सोल्युबल पिगमेंट होते हैं जैसे एंथोसायनिन, जिसका कलर पर्पल कलर होता है, जब भी आप पर्पल कलर के फ्लावर वगैरह देखते हो तो आप लोग ये समझ जाना कि उनके अंदर जो है वाटर सोल्युबल एंथोसायनिन ज्यादा है, और वहां पे वैक्यूल जो है वो लार्ज अमाउंट में आपको मिलेगा। इसी तरीके से एक वैक्यूल होता है बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि अमीबा के अंदर देखने को मिलता है। अमीबा के अंदर बेसिकली होता क्या है, वो वाटर के अंदर पाया जाता है, तो अमीबा के अंदर जब वाटर एंटर करता है इनसाइड, काफी वाटर अंदर चला जाएगा तो अमीबा की डेथ हो सकती है, तो इसके अंदर क्या होता है बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। ये क्या करते हैं, इस वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल,
जो है इसको बाहर की तरफ रिलीज कर देते हैं, ठीक है, जो भी वोर्टेक्स आया है उसको बाहर की तरफ रिलीज कर देते हैं। मैं बोल सकता हूं बेटा ओस्मो रेगुलेशन करते हैं, क्या करते हैं बेटा ओस्मो रेगुलेशन करते हैं। इसके साथ साथ बेटा एक होता है गैस वैक्यूम, गैस वैक्यूम प्रेजेंट होता है बेटा बैक्टीरिया के अंदर। ये कोई अच्छा वैक्यूम नहीं है, ये स्यूडो वैक्यूम है, ये फॉल्स वैक्यूम है। और ये बेटा क्या प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को बायोम्सी प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को बेटा तैरने में जो है मदद करता है, हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर बेटा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उन्हें बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए सरफेस पे आना होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइसोसोम एंड वैक्यूम।